ये है लक्ष्मण कोहली गांव, पाकिस्तान के उन गांवों में से एक जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। पहले यहां बिजली नहीं थी, लेकिन इसके ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्हें दूसरे पाकिस्तानियों की तरह बिजली की चिंता करने की जरूरत नहीं। कोविड महामारी, प्राकृतिक आपदा और यूक्रेन युद्ध ने कई देशों को महंगे परंपरागत ऊर्जा साधनों जैसे कोयला, तेल और गैस पर ज्यादा निर्भर बनाया है, जिससे जलवायु परिवर्तन और उसके हानिकारक प्रभाव बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण कोहली कराची से करीब 500 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक दूरदराज का गांव है, जहां सरकारी बिजली नहीं पहुंची। अभी तक यहां के स्थानीय लोग रात में रोशनी के लिए लकड़ियां जलाते रहे हैं, लेकिन अब सौर ऊर्जा की वजह से हालात बदल चुके हैं। वलीमा का हर दिन गुजरता था खेतों में, जानवरों की देखभाल करने और घरेलू काम में, और सूरज ढलने का मतलब होता था कामकाजी दिन का अंत। अब परिवार के पास बिजली का विश्वसनीय साधन है। तीन बच्चों की मां वलीमा अब सूर्यास्त के बाद भी अपने घर पर मिट्टी के बर्तन बना सकती हैं। ये पैसे कमाने का एक अतिरिक्त जरिया है। जब हम यहाँ आए तो बिजली नहीं थी। हमने सरकारी बिजली के लिए मांग की तो हमें बताया गया कि कनेक्शन मिलेगा, लेकिन इस बात को 20 साल बीत चुके हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र की जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता है। 64% ऊर्जा आयात किए गए तेल, गैस और कोयले से पैदा होती है। ट्रांसमिशन में जब तब आने वाली दिक्कतों के चलते ऊर्जा की कीमतें बढ़ना और बिजली जाना बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन पाकिस्तान साफ ऊर्जा के साधनों को विकसित करना चाहता है। देश में करीब 10 करोड़ लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने बोला था, लेकिन वो कह रहे कि आपको बिजली लगवा के देंगे, लेकिन लगी नहीं है। तो बिजली यहाँ पे हमारे पास तो है नहीं, 20 साल हो गए। दूरदराज के इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती है जमीन पर अधिकार का सवाल। उदाहरण के लिए, ये गांव एक जमींदार के नाम है और गांव वाले खेतों में काम करके जिंदगी चलाते हैं। पाकिस्तान के एक गैर सरकारी संगठन हेरिटेज फाउंडेशन के सस्टेनेबिलिटी के लिए किए जा रहे प्रयासों की वजह से दर्जनों परिवारों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है। हमने 42,800 रुपए में हम दे रहे हैं, जिसमें एक सोलर सिस्टम आ जाता है जो 12 फैमिली शेयर करती हैं, एक हैंडपम्प आता है एक जो 8 फैमिली शेयर करती हैं, और एक टॉयलेट आता है जो 2 फैमिली शेयर करती हैं, और एक सेफ शेल्टर होता है, 1 फैमिली 1 सेफ शेल्टर। फोटोवोल्टिक पैनल लगने के बाद उनका रखरखाव एक और चुनौती है। सोलर पैनल पर जमी धूल उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन एनजीओ के पास समस्या का हल तैयार है। उन्होंने स्थानीय युवा टेक्नीशियनों को सोलर पैनलों का नियमित रखरखाव करने के लिए प्रशिक्षित किया है। इसकी ये तारे चेक करनी पड़ते हैं, जोर चेक करने पड़ते हैं, बैटरी का पानी चेक करना पड़ता है, इसको कपड़ा मारना पड़ता है, फिर जाके सही चल रहा है। इस पे 5-6 बल्ब जल जाएंगे और एक पंखा चल जाएगा बस। ये सोलर की वजह से मैं कमा करता हूँ, घर की बुरस भी हो जाती है, और अभी पहले से जो है ना सही चल रहा है कारोबार हमारा। इस गांव में अक्षय ऊर्जा से बनी बिजली का सामाजिक प्रभाव भी है। अब गांव के लोग अक्सर शाम को इकट्ठा होकर काम कर पाते हैं। गांव का यह अस्थाई प्राइमरी स्कूल भी इस सौर ऊर्जा से बनी बिजली से फायदा उठा रहा है। माँ बाप बच्चों को शाम को स्कूल भेजते हैं, कई बच्चे दिन में अपने घर वालों के साथ खेतों में काम करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे अब पढ़ पा रहे हैं, उनके पास पढ़ने के लिए अब रोशनी है। सोलर पैनल ने गांव वालों की जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा किया है। जहाँ आप रहते हैं, क्या वहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है, या ऐसा कुछ जहां समुदाय या व्यक्तिगत प्रयासों ने समस्याओं को हल किया हो? ऐसा है तो हमें बताइए कमेंट में।